टेंथ क्लास के अपने जो एग्ज़ाम होने वाला है RBSC का, उसके अंदर आज अपने पार्ट ले रहे हैं ज्योग्राफी का, जिसमें पहला अध्याय ज्योग्राफी यानी भूगोल, उसका पहला आठवां अध्याय है जो अपने दूसरी की किताब में दे रखा है। उसमें टॉपिक है आज पहला है जल संसाधन। जैसा कि नाम से पता चलता है, जल और संसाधन के रूप में मनुष्य के जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जल संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक संसाधन के रूप में ये सीमित संसाधन है, जिसमें अपन देख सकते हैं पहला इसका परिचय। जैसा कि अपन देखते हैं बहुत सारे कोटेशन भी आते हैं, जल है तो कल है, जन के जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो स्वाभाविक है मनुष्य की प्रत्येक क्रिया, चाहे वो उसने के जागने से लेकर सोने तक, सभी क्रियाएँ हैं जो जल से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। चाहे वह भोजन करने के लिए सब्जियाँ है, चाहे जो अनाज वगैरह खाते हैं, वो भी जल के बिना नहीं उपजा जा सकता है। इसके लिए उनके नहाने के वगैरह, पशु पक्षियों को पीने, खाने पीने, सभी वस्तुएं मनुष्य यानी जल से हमेशा जुड़ा हुआ है। इसके परिचय की बात करें तो पूरा इतिहास है, जो इतिहास की जितनी भी सभ्यता है किसी न किसी नदी के किनारे बसी है, इसीलिए अपन जल का महत्व है इसका व्यवस्थित रूप से समझ सकते हैं। अब इसमें पाठ में हमारे बताया गया है कि जो अपने पृथ्वी पर, जो पृथ्वी का भाग है, उसके लगभग 70% भाग पर क्या है, अपने 71% भाग पर क्या है, जल है। और केवल 29% पर भी भाग पर ही क्या है, स्थल है। यानी स्थल का भाग तो केवल 1/3 से भी कम है पृथ्वी पर। तो ये अपने आप में जल का ज़्यादा होना है, लेकिन समस्या ये है कि उसमें से 71% जो भाग है, जो 71% जल है, उसमें से मान लो ये 71% को अपन 100 मान लें, तो उसमें से 97% है जल जो क्या है, महासागरों के रूप में खारा जल है। 7 महासागर है, उनमें वो फैला हुआ है, यानी पूरा जल खारा है। लगभग केवल 71% जल ही है जो मनुष्य के उपयोग में आ सकता है, जो पीने योग्य या अन्य उपयोग में। लेकिन उस 3% का भी अपन मान लो 100 मान लें, इस 3% को भी 100 मान लें, तो उसका 69% क्या है, बर्फ के रूप में जो ग्लेशियरों पर ढका हुआ है, या जो अपने पहाड़ों की चोटियों के ऊपर, जो जैसे हिमालय की बात करें तो वहाँ पर भी वो बर्फ के रूप में पड़ा है। यानी जो पीने योग्य 3% जल है, उसको अगर अपन 100 माने तो उसमें से 69% जल है जो बर्फ के रूप में ढका है। बाकी का 30% है जो भूमिगत जल के रूप में है, जो नलकूपों के माध्यम से वगैरह उससे अपन निकालते हैं जमीन से, तो वो भूमिगत जल है। और केवल मात्र 1% जल है जो मानव उपयोग के लिए है, जो पेयजल के रूप में अथवा नदियों के रूप में है, जो मानव अपने उपयोग में लेता है। यानी कितना, यहाँ पर 71 बात करें, 71 का 100 माने तो उसमें से 97 क्या है, खारा है, उसमें से 3%, उस 3% को अगर 100 माने तो उसमें से भी 69% क्या हो जाएगा, बर्फ के रूप में पड़ा है, 30% अपने भूमिगत जल के रूप में, और केवल मात्र 1%, यानी इसी कुत्र का भी 3 बार 100-100 भाग बांटने पर मानव उपयोग में कितना आ रहा है, केवल 1% जल आ रहा है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी अपन नहीं कह सकते, यानी पॉइंटों में जल है, लेकिन वो भी उसकी भी मात्रा खूब ज़्यादा है। लेकिन उसका किस प्रकार से व्यवस्थित उपयोग किया जाए, उसके लिए यहाँ पर अपने दे रखा है, अगला जो पॉइंट दे रखा है वो है जल प्रबंधन। जल प्रबंधन का मतलब है जल का इस प्रकार से उपयोग किया जाए, जो अपने 1% जल है या इससे जल का इस प्रकार से उपयोग किया जाए ताकि मनुष्य है अपना जीवन यापन व्यवस्थित ढंग से कर सके, और उस जल का उपयोग है जो अपने सिंचाई के लिए, कृषि के उत्पादनों के लिए, उद्योग धंधों के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए वगैरह आसानी से कर सके और अपना जीवन यापन कर सके, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो जल को संसाधन के रूप में छोड़ सके। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और वर्षा का मुख्य जो स्रोत है वो होती है बरसात के माध्यम से अपन को जल प्राप्त होता है। तो बरसात होने के बाद अधिकांश पानी है जो नदियों के साथ में समुद्र में जाकर मिल जाता है, तो अपन को इस प्रकार से उसका प्रबंधन करना चाहिए ताकि वो समुद्र में जाकर व्यर्थ में न समुद्र में चला जाए। तो उसके लिए राज्य सरकार भी प्रयास करती है, केंद्र सरकार भी प्रयास करती है, और आम जनजीवन भी प्रयास करते हैं। वर्तमान में अभी अपन देखते हैं कि भी जैसे जितनी भी विद्यालय वगैरह के स्तर पर सरकार द्वारा टांके बनाए जाते हैं, और उसमें अपने विद्यालयों की सतहों का पानी है जो टांक पाइपों के माध्यम से उनमें इकट्ठा किया जाता है ताकि समय आने पर उस पानी का उपयोग किया जा सके। विभिन्न प्रकार के जो तालाब वगैरह की जो मनरेगा के माध्यम से गहराई वगैरह करवाई जाती है ताकि गाँव का जो पानी है उसमें स्थापित हो जाए। नदियों के ऊपर विभिन्न प्रकार के बांध बनाकर पानी को रोका जाता है ताकि उसका सिंचाई के रूप में नहर निकालकर उपयोग में किया जा सके। तो वो सारा किस में आ जाएगा, जल प्रबंधन, यानी जल का इस प्रकार से प्रबंधन किया जाए ताकि मनुष्य के जीवन में वो क्या हो जाए, उपयोगी हो, और उस जल का सही ढंग से उपयोग किया जाए। तो ये हमने अगला है जो पॉइंट है जल प्रबंधन, इसका मुख्य यही है जल का इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से उपयोग किया जाए ताकि मनुष्य के उपयोग में लिया जा सके। तो ये मुख्य बात दे रखी है। फिर आपके इसी पार्ट के अंदर जल संसाधन पार्ट में तीसरा टॉपिक दे रखा है बहुउद्देशीय परियोजना। जैसा कि नाम से पता चलता है बहुउद्देशीय, यानी बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई परियोजना क्या हो जाएगी, बहुउद्देशीय परियोजना।
इसके बारे में अपने विस्तार से जो मुख्य बात आती है कि बहुउद्देशीय परियोजना को कब महसूस किया गया, तो जब आज़ादी के बाद में भारत को अंग्रेज छोड़ के चले गए तो उस समय भारत की स्थिति खाद्यान्न के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी नहीं थी, आत्मनिर्भर नहीं था, भारत गरीब था। तो उस समय हमारे जो तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने एक रूस गए और रूस देश में जाकर वहाँ से एक योजना लेके आए जिसका नाम था अपने बहुउद्देशीय योजना आयोग लेके आए, और उस योजना आयोग के तहत 5 वर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, योजना आयोग के तहत 5 वर्षीय योजना की शुरुआत की गई, और उसमें पहले 5 वर्षीय योजना के अंदर भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस बहुउद्देशीय परियोजना का शुरू किया गया, जिसमें वो सारे उद्देश्य को ध्यान में रखकर, और जिसमें मैंने बताया कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होना है तो स्वाभाविक है खाद्यान्न उत्पादन के लिए अपन को महत्वपूर्ण संसाधन क्या है, जल है, तो जल का प्रबंधन करना पड़ेगा। और जल का प्रबंधन अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, जो नदियां आ रही है उन नदियों के किनारे पर अपन बहुत से बांध बना दिए जाए, तो उन बांधों में क्या होगा, जो पानी है सो एक्स्ट्रा आ रहा है वो पानी क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब उस पानी का अपन उपयोग क्या कर सकते हैं, इस पानी के अंदर टर्बाइन लगाकर अपन क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना में पहला अपने क्या हो जाएगा, पहला इसका मुख्य रूप से काम क्या हो जाएगा, जल विद्युत उत्पादन। स्वाभाविक है जो बांध बनेगा ऊपर से पानी गिराएंगे तो इस पानी से क्या चलेंगे, टर्बाइन चलेंगे, और उस टर्बाइन के माध्यम से क्या हो जाएगा, अपने लाइटों का स्थापना हो जाएगी, तो ये विद्युतों की लाइनें स्थापित हो जाएगी और जगह जगह बिजली पहुंच जाएगी। तो पहला बहुउद्देशीय परियोजना में पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा, जल विद्युत। दूसरा क्या है, किसी क्षेत्र में मान लो हर बार वर्ष में बारिश होती है उस टाइम नदियां हैं, जैसे कोसी नदी है पंजाब का, ये जिसमें बिहार में वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में तबाही मचा रही है, अपना रास्ता पलट लेती है, तो ऐसी नदियों के अंदर क्या करेंगे, अपन बांध बना देंगे तो उससे जो उसका पानी का फैलाव है वो रुक जाएगा और बाढ़ उसमें नियंत्रित हो सकती है। दूसरा क्या है, बांध बना हुआ होगा तो मान लो किसी वर्ष अच्छी बारिश नहीं होती है तो उस बांध से क्या करेंगे, नहरों के माध्यम से पानी देके सूखे का प्रबंधन भी अपन आसानी से कर सकते हैं, तो बाढ़ और सूखे का प्रबंधन भी इस उद्देश्य में शामिल हो जाएगा। तो दूसरे उद्देश्य क्या हो जाएगा, बाढ़ से सुरक्षा, नदियों के ऊपर बांध बनेंगे तो पानी के फैलाव को रोक सकते हैं, तो बाढ़ की सुरक्षा, और सूखा मतलब बांधों से नहर निकाल के पानी देंगे तो उससे सूखे के समय भी अपने कृषि वगैरह की जा सकती है और पेयजल के अंदर पानी का उपयोग किया जा सकता है, तो दूसरा उद्देश्य हो गया। तीसरा उद्देश्य क्या है, कोई भी उद्योग धंधा लगाने जाएंगे तो उस उद्योग धंधे के अंदर पानी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा, बिना पानी के वहाँ पर अपने विभिन्न प्रकार के उत्पादन नहीं हो पाएंगे, तो वहाँ पर उद्योग धंधों को पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइनों के माध्यम से पहुँचा सकते हैं, तो इसमें भी इसका रोल क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो इस बहुउद्देशीय परियोजना में क्या किया गया, बड़े बड़े बांध बनाए गए और उस बांधों के तहत विभिन्न प्रकार के उद्देश्य ध्यान रखे, जिसमें जल विद्युत है, बाढ़ और सूखे का नियंत्रण है, औद्योगिक है, इसके अलावा उसका पानी का उपयोग क्या होगा, पेयजल के लिए, आसपास के शहरों को पानी पहुंचाया जाएगा पेयजल के लिए, नहरें निकाल के भी पहुंचाया जा सकता है और पाइपलाइन के माध्यम से। इसके बाद में वहाँ पर छोटे छोटे जो बांध होंगे या बड़े बांध होंगे तो उसमें मछलियों का पालन भी आसानी से किया जा सकता है, जब पानी इकट्ठा बड़ा पड़ा रहेगा तो लंबे समय तक वहाँ पर पानी में विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न होंगे, तो वहाँ पर मछली पालन का भी अपन कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो जैसे कहीं पर पिकनिक स्पॉट बना दिए, वहाँ पर अपने जल क्रीड़ा के रूप में उसमें छोटी छोटी बोटें वगैरह चला के लोगों को मनोरंजन का साधन बना दिया गया, विभिन्न प्रकार के वहाँ पर पर्यटन के स्रोत बना दिए गए, जैसे अपने जो अभी बना एक बहुत बड़ा गुजरात के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, तो वो भी एक अपने बांध के किनारे पर ही बना हुआ है, तो इस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो इसमें देखा आपने बहुउद्देशीय परियोजना बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, सिंपल सी परिभाषा लिखनी है, अपने कोई किताब की परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तत्कालीन समय में प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो विभिन्न प्रकार के बांधों का निर्माण किया गया और जिसके अंदर जो उद्देश्य रखे गए, जिसमें जल विद्युत है, बाढ़ का और सूखे का प्रबंधन है, औद्योगिक अपने इकाइयों की स्थापनाओं में पानी का उपयोग है, पेयजल के लिए पानी का उपयोग है, मछली पालन और अन्य जल क्रीड़ा और अपने पर्यटन के लिए ऐसे क्षेत्रों का उपयोग करना, तो ये हो जाएगा। अब अपने तत्कालीन समय की भारत की जो महत्वपूर्ण प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो मुख्य रूप से 3 बांध बनाए गए, जिसमें एक था पहला भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध है जो सतलज नदी के किनारे बनाया गया और जो महत्वपूर्ण था, जो अपने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इन 3 जिलों देश राज्यों की आपसी ये समझ से बनाया गया अपने परियोजना थी, और जिसमें 2 बांध बनाए गए, पहला था भाखड़ा और दूसरा था नांगल बांध, और इनसे विभिन्न प्रकार के अपने ये उद्देश्य ध्यान में रखे गए, जल विद्युत, बाढ़, सूखा, औद्योगिक, पेयजल और मछली, इन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाखड़ा और नांगल बांध, जो अपने कौन सी नदी के किनारे पर है, सतलज नदी, और पंजाब और हरियाणा से ज्यादातर इसका लिंक है, और राजस्थान में नहरों के माध्यम से इसका पानी पहुंचाया जाता है। तो
तो पहले परिसंचरण योजना में कौन सा बांध बनाया गया अपने भाखड़ा नांगल, दूसरा फिर दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी के किनारे पर यह बना हुआ है और ये बंगाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है जो दोनों राज्यों को अपने पानी पहुंचाती है। और इसमें भी ये कि इसमें भी जल उद्देश्य जल विद्युत को ध्यान में रखकर बाढ़ सूखा औद्योगिक पेयजल, यानी ये के सारे बात ये कि ये मुख्य रूप से इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इनका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। और इनका कौन से राज्यों में, पश्चिम बंगाल और झारखंड, केवल आपको देख तो नदी का ध्यान रखना है कौन से क्षेत्र कौन सी नदी पर बना हुआ है और कौन से राज्य से उसका संबंध है। तो पश्चिम दामोदर नदी हो गई और पश्चिम बंगाल और झारखंड से संबंध है और उद्देश्य क्या था, ये जो अपने बहुउद्देश्य परियोजना को ध्यान में रखकर बनाया गया दामोदर घाटी परियोजना। फिर तीसरा बांध है हीराकुंड बांध परियोजना, जिसमें हीराकुंड बांध बनाया गया और ये भी कौन सी नदी पर है, महानदी पर बना हुआ है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये तुम्हारे तीन जो बड़े बड़े बांध दे रखे हैं और इनका उद्देश्य तुम्हें हर तीनों में ये कि ये सेम टू सेम लिखने हैं कि कौन कौन से, और तुम्हारे परीक्षा में पूछ सकते हैं भाई भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी, दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे बहुउद्देशीय परियोजना क्या है इसको बताइए, जल प्रबंधन के कौन कौन से उपाय है, राजस्थान के जल प्रबंधन के कौन कौन से उपाय है। तो इस प्रकार से तो ये हो गया आपने भाखड़ा नांगल बांध, फिर दूसरा अपने भाखड़ा नांगल दो बांध बने गए हैं, इसके बाद में दामोदर घाटी परियोजना ये अपन ने बता दिया सतलज नदी पर बनी हुई है, इसके बाद में मुख्य रूप से इनका उद्देश्य ये बाढ़ नियंत्रण वगैरह इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। फिर हीराकुंड बांध परियोजना जो छत्तीसगढ़ से संबंध है और अपने उसके ऊपर बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध बना हुआ है, ये मुख्य रूप से बात दे रखी है। उसके बाद में आती है अपने अन्य जो राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना है, राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना का नाम अपन किताब के माध्यम से ले लेते हैं। पहला है चंबल घाटी परियोजना, तो राजस्थान के अंदर वर्ष भर बहने वाली नदियों में कौन सी नदी है, चंबल नदी है जो राजस्थान में वर्ष भर बहती है। अब चंबल नदी की बात करें तो ये अपने राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश एमपी कहा जाता है, यहां पर ये यहाँ से निकलती है और फिर अपने कोटा से होते हुए अपने थोड़े इसका चित्तौड़गढ़ में बहते हुए आगे है जो जाकर वापस किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये बनी हुई है अपने करौली वगैरह में बहती है, तो इसमें के ऊपर चार बांध बने हुए हैं जो अपने कौन कौन से, मुख्य रूप से ये राजस्थान और अपने मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। तो इसमें देखते हैं चार मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी 1953 में, तो इस प्रकार से इसकी शुरुआत हो जाती है। और इसका भी उद्देश्य क्या है, एक तो बाढ़ नियंत्रण, सूखे का राजस्थान में सूखा बहुत ज़्यादा रहता है और वर्ष भर बहने वाली नदी केवल संबल नदी है तो इसका इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा औद्योगिक विकास, जैसे कोटा में अपने बहुत सारे औद्योगिक संस्थान थे तो औद्योगिक विकास और जल विद्युत का निर्माण भी इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो ये हो जाएगा इसमें अपने मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, ये कौन सा बांध है, गांधी सागर बांध, जो पहले इसके फेज में गांधी सागर बांध बनाया गया और यहाँ से अपने जल विद्युत वगैरह का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में नहरी प्रणाली से इसका पानी है जो आसपास के क्षेत्रों में दिया जाता था, तो ये मुख्य हो जाएगा। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ के अंदर सौराष्ट्र अपने रावत बाटा नामक स्थान पर इसका एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। पहला बांध तो हो गया अपने गांधी सागर बांध, दूसरा बांध हो गया राणा प्रताप सागर। जैसा कि चित्तौड़गढ़ में हुए महाराणा प्रताप का मेवाड़ से संबंध है, उदयपुर में ज्यादा उनका रोल रहा है, तो कौन सा बांध हो गया, राणा प्रताप सागर बांध। फिर कोटा में दो बांध बने हुए, एक तो कोटा बैराज बांध बना हुआ बहुत बड़ा बांध है जिसमें अपने घड़ियाल वगैरह बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो हो जाएगा कोटा। और फिर अपने आगे के चरण में एक दो जवाहर सागर बांध बनाया गया, चार बांध कौन कौन से हो गए, गांधी सागर बांध, उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध, फिर कोटा बैराज और एक अपने जवाहर सागर बांध, टोटल चार बांध बने हुए हैं। कितने, संबल नदी में कितने बांध बने हुए हैं, चार बांध। तो मुख्य उद्देश्य यही अपने उद्देश्य हमेशा हर बांध में और हर जो निर्माण होगा जल विद्युत का ये बहुउद्देश्य परियोजना का, उसमें उद्देश्य केवल इन्हीं का ध्यान में रखते हुए इनका निर्माण होगा। तो अपने राजस्थान की बहुउद्देश्य परियोजना हो गई, संबल हो गई, उसके बाद में आती है माही, माही नदी है जो राजस्थान में ये दो जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनमें होकर ही मुख्य रूप से इसका चलन है। तो ये क्या करती है, और इसके अलावा जो कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान को, इसको भी ये दो भागों में काटती है, तो दक्षिण से आएगी ऐसे आके वापस घूम के गुजरात में चली जाएगी, यानी गुजरात से आएगी और गुजरात में वापस चली जाएगी। तो ये अपने माही, माही में डूबा, माही में, माही में डूबा, डू यानी डूंगरपुर और बा यानी बांसवाड़ा, तो किन दो जिलों के अपने परियोजना है राजस्थान के, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इसमें सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाता है। तो ये इस प्रकार से गुजरात से और राजस्थान की संयुक्त परियोजना कही जाती है। तो ये माई बजाज सागर परियोजना कहा जाता है, इसमें माई बजाज सागर बांध बना हुआ है, तो मुख्य रूप से ये गुजरात और राजस्थान की मुख्य परियोजना है, तो इसमें जल विद्युत वगैरह के माध्यम से इनका इस क्षेत्र में ये पानी पहुंचाया जाता है। तो ये उद्देश्य हमेशा सभी के सेम यही है, इसी प्रकार से इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया जाता है। तो दूसरी परियोजना हो गई अपने माई बजाज, ये राजस्थान की परियोजना, पहली राजस्थान की चंबल नदी सबसे वर्ष भर बहने वाली नदी है,
तो चंबल नदी परियोजना। इस प्रकार से परीक्षा में अगर आप चित्र बनाकर लिख दोगे, दो तीन बांधों के नाम लिखोगे तो भी अच्छे से अपने नंबर आ सकते हैं। तो पहली हो गई संबल वाली, दूसरी हो गई माई बजाज सागर, तो पहली एमपी और राजस्थान की, दूसरी गुजरात और राजस्थान की। अब तीसरी बात करें हैं बिशुलपुर परियोजना। बिशुलपुर परियोजना अपने ये भी बहुउद्देशीय परियोजना थी और ये टोंक जिले से संबंधित है। टोडा रायसिंह कस्बे से यहाँ पर ये बिशुलपुर यहाँ पर निकलती है और बांध भी एक बना हुआ है बिशुलपुर बांध। बनास नदी की परियोजना कौन सी नदी की है? बनास नदी की। तो ये भी अपने राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण परियोजना मानी जाती है। इससे अपने जयपुर के आसपास के क्षेत्रों को भी पानी सप्लाई किया जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये होगी राजस्थान की महत्वपूर्ण तीन, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कितनी है? तीन है, जिसमें चंबल, अपने माई और बनास, जो बनास नदी पर है, जिसे बिशुलपुर परियोजना कहा जाता है। और भारत की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल, भाखड़ा और नांगल दो बांध बने सतलज नदी पर, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। फिर दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड की, जिसमें दामोदर नदी के किनारे, फिर हीराकुंड जो बांध बना हुआ है वो मां नदी पर, ये मुख्य रूप से तीन परियोजना है। तो इस प्रकार से ये अपने हो जाएगी। राजस्थान की अन्य बात करें, अन्य परियोजना भी छोटी छोटी नदियां हैं। वैसे राजस्थान के वर्ष भर बहने वाली केवल दो ही नदी है, एक तो अपने चंबल नदी होगी, एक माई नदी। इसके अलावा बहुत सारी नदियां हैं छोटी छोटी जो वर्षा काल में बहती है, तो उनके ऊपर भी छोटी छोटी। इसके अलावा राजस्थान में जो अपने ये नदियां हैं, जैसे सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी से नहरें निकालकर राजस्थान को सिंचाई की आपूर्ति की जाती है, पानी दिया जाता है, क्योंकि इसमें राजस्थान का भी हिस्सा है। तो किस प्रकार से इनका राजस्थान में चलन है वो अपन देखते हैं। तो राजस्थान के थार, वैसे भी अपने राजस्थान को पानी का महत्व बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि अपना पूरा इलाका क्या है? शुष्क है। यहाँ पर मरुस्थल है, बहुत बड़े बड़े अपने थार का बहुत बड़ा मरुस्थल है और लगभग 12 जिले इसमें आते हैं। तो और दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला भी अपना राजस्थान ही है, मतलब ऐसा मरुस्थल जिसमें सबसे ज़्यादा घनी आबादी रहती है तो वो अपने भारत में ही है, थार का मरुस्थल। क्योंकि इसके अलावा सारा का मरुस्थल है, गोभी का मरुस्थल, लेकिन वहाँ पर इतनी जनसंख्या नहीं है। तो बताते मैं आप महत्वपूर्ण है, तो अपन इसका प्रबंधन अच्छे से करना जानते हैं। आगे के अंदर अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं। तो इसमें हो जाएगी ये तीन परियोजना। इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी परियोजना है इसके, जो नहरों के माध्यम से अपने चले जाती है, लिफ्ट नहर वगैरह चलती है इसमें। अब अगली अपने परियोजना में पढ़े देखें तो जो इंदिरा गांधी नहर के बारे में बताया गया है, इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से निकाली जाती है। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं जो राजस्थान को पानी पहुंचाती है। लिफ्ट नहर का मतलब है, मान लो ये नदी है और ये वाला हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, तो इस तक पानी पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से पानी को उठा के लिफ्ट करके यहाँ ऊपर, ये क्षेत्र ऊपर वाला है और ये नहर है जो नीचे चल रही है, तो यहाँ से लिफ्ट करके इस पानी को यहाँ पर लाएंगे, ऊंचा लेंगे, ताकि यहाँ पर आसानी से पानी आगे सप्लाई कर सके। तो ऐसी राजस्थान में 7 जगह लिफ्ट नहर लगाई गई है। तो ये लिफ्ट नहर हो जाएगी और सतलज नदी से निकलती है इंदिरा गांधी नहर, गंगानगर से प्रवेश करती है और फिर बाड़मेर के गढ़वाल रोड तक इसका अपने चलन चल रहा है। तो और बहुत महत्वपूर्ण है, बीकानेर वगैरह में खूब ज़्यादा उत्पादन होता है सिंचाई, इसकी सिंचाई के कारण अपने खूब सारा पानी पहुंचता है। लेकिन थोड़ी समस्या आती है, सीएम की समस्या, उस आसपास में पानी का खारापन उकड़ जाता है जिसके कारण वहाँ पर थोड़ी फसलें वगैरह होने में समस्या होती है। लेकिन फिर भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत सारे जिलों को ये पेयजल की आपूर्ति करता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा और मानव निर्मित सबसे बड़ी अपने परियोजना कहा जा सकता है इसको, इंदिरा गांधी परियोजना का। तो राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आगे बात करें तो जाखम नदी है जो माई नदी की एक सहायक नदी है, उसके ऊपर एक बांध बनाया गया है और ये अपने जाखम नदी चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ की आदिवासी क्षेत्रों की योजना है, जिसमें जाखम बांध बनाकर नहरों से पानी सप्लाई किया जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में सोम कमला और अम्बा परियोजना, ये बांगड़ क्षेत्र की परियोजना है जो तीन नदियाँ सोम कमला और अम्बा की नदियों को सम्मिलित करके बनाई गई परियोजना है। तो ध्यान रखें दक्षिणी भारत की, दक्षिणी राजस्थान की है, यहाँ पर ये सोम कमला और अम्बा दो तरफ से आती है और इस प्रकार से इसका मिलन यहाँ पर होता है। तो सोम कमला अम्बा परियोजना बांगड़ क्षेत्र की है। इसके बाद में बात करें मेजा बांध है, बहुत महत्वपूर्ण है, भीलवाड़ा के अंदर मांडलगढ़ तहसील में स्थित है और ये कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी भीलवाड़ा में, अपने इस क्षेत्र में भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर ये बना हुआ है मेजा बांध। तो बहुत महत्वपूर्ण है मेजा बांध, कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर। इसके बाद में आता है अपने सिद्धमुख परियोजना जो रावी व्यास की सहायक है और उससे नहर निकालकर हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों को पानी की आपूर्ति की जाती है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में बात करें नर्मदा नदी की, तो दक्षिणी में अपने राजस्थान के जो जिले हैं अपने जालोर और सिरोही और इनको पानी की आपूर्ति है, इसकी नर्मदा नदी है उससे नहर निकालकर इनकी पानी की आपूर्ति की जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने जल के स्रोतों के रूप में। राजस्थान जालोर जिले में पानी की सुविधा है जो नर्मदा नदी के कारण पानी पहुंच पाता है। तो ये हो जाएगी अपने सरदार सरोवर बांध से जल से बाड़मेर और जालोर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है, ये मुख्य है। इसके अलावा यहाँ पर जो
नहर सिस्टम के माध्यम से ना होकर यहाँ पर ड्रिप सिंचाई और इसकी सिंचाई के माध्यम से इसका सिंचाई के लिए भी इसका पानी दिया जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आती है जवाई बांध परियोजना, जो अपने तत्कालीन राजा थे जोधपुर के, उन्होंने जवाई बांध बनाया गया था जो पाली में है, और उसके जो जवाई नदी पर बनाया गया था, और उससे पानी की सप्लाई है जो अपने सुमेरपुर वगैरह को की जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा अपने जवाई बांध परियोजना, जो अपने बहुत लगभग 176 किलोमीटर नहर निकालकर सिंचाई की जाती है, तो ये हो जाएगा। फिर पांचवा बांध करौली में है, जो मिट्टी का बहुत बड़ा बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका है, मिट्टी का बांध है और करौली के अंदर स्थित है, तो ये हो जाएगा जो पांच नदियों के ऊपर बनाया गया है। इसके बाद में ये अपने लगभग योजनाएं पूरी हो जाती है। परीक्षा में छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान की कोई बहुउद्देशीय परियोजना के नाम बताइए, तो इसमें आपको जितने भी नदियों के नाम याद हो उनके साथ में परियोजना नाम लिख के लिख देना, और सामान्य रूप में चार पांच का तो याद है ही, अपने संबल नदी घाटी परियोजना, माही बाजार सागर, अपने बिसलपुर परियोजना वगैरह, तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखें। अब आगे अपना टॉपिक चलता है जल प्रबंधन। जल प्रबंधन किस प्रकार से, तो अपने मुख्य रूप से राजस्थान की बात करेंगे कि राजस्थान में ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जिनके माध्यम से क्या किया जाता है, जल का प्रबंधित किया जाता है। तो पहला आपने इसमें दे रखा है, आपने पहला तो जल संरक्षण क्या होता है, तो जल का अपन को सीमित मात्रा में जल होने के कारण अपन को व्यवस्थित उसका उपयोग करना, जैसा जल प्रबंधन है सेम टू सेम अपने वही इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जल का व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जल संसाधन का मतलब व्यवस्थित रूप से उपयोग हो, यही है जल संसाधन। और वर्षा जल का संरक्षण किया जाए, उसका व्यवस्थित उपयोग किया जाए, ये मुख्य बात हो जाएगी। जिसमें इसमें उदाहरण दे रखा है भाई, तत्कालीन समय में चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह ने भी जो झील का निर्माण किया जाता सुदर्शन झील वगैरह, तो वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जल प्रबंधन के स्रोत माने जाते हैं। यानी उस समय भी आज से हजारों साल पहले भी उसके जल का महत्व समझते थे, तो अपन को भी इसका जल का महत्व समझना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि भाई तीसरा विश्व युद्ध होगा और जल के लिए होगा, तो अपन को जो वर्षा जल होता है उसका संरक्षण करना है, सभी को अपने मतलब जो नदियों में बहकर फालतू में जल चला जाता है उसका अपन को व्यवस्थित उपयोग करना, तो ये हो जाएगा ये। और ये केवल सरकार का कर्तव्य नहीं कि भाई सरकार व्यवस्था करे, सभी अपन को आम नागरिक को भी जल का सही व्यवस्थित उपयोग करना चाहिए, अपने जो नल वगैरह टिप कर रहे हो तो उनको भी व्यवस्थित बंद वगैरह करना चाहिए, और फालतू में व्यर्थ जल का उपयोग मतलब व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, ये मुख्य रूप से हो जाएगा जल संरक्षण। इसके बाद में अपन बात करें राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप, यानी परंपरागत तरीके से, परंपरागत यानी परंपराओं से सदियों से चली आ रही परंपराओं के माध्यम से जल संसाधन का संरक्षण कैसे हो, तो पहला इसमें दे रखा है बावड़ी। बावड़ी क्या है तत्कालीन समय, मैं मौखिक रूप से आपको बता देता हूँ, बावड़ी तत्कालीन समय में राजाओं महाराजाओं द्वारा क्या किया जाता था, किसी विशेष अवसर पर उनको मतलब खुदवा के वहां पर उनके अभिलेख वगैरह बनाए जाते थे, और ये अपने विभिन्न प्रकार की डिजाइन आकृतियां की बनी होती थी, गैर चतुर मतलब चार कोणों की बनी हुई होती थी, और उसमें एक तरफ दो तरफ सीढ़ियां बनी हुई होती थी ताकि आसानी से लोग है उसमें पानी निकाल सके, और बहुत गरीब गहरी वगैरह होती थी, और पानी का मतलब यहाँ पर ऐसी जगह बनाई जाती थी ताकि आसानी से उसमें पानी है जो आ सके, और लंबे समय तक उस पानी का उपयोग है जो आम जनजीवन के लिए किया जाता था, तो बहुत महत्वपूर्ण संसाधन हो जाएंगे अपने बावड़ियाँ। जिसमें अपने सबसे महत्वपूर्ण है चांद बावड़ी दोसा की है, जो अपने आप में कलाकृतियों में सबसे सुंदर बनी हुई, कौन सी है, चांद बावड़ी दोसा, तो ये अपने बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अपने जो बूंदी है, जिसे बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, वहाँ पर खूब सारी जो वहाँ के राजाओं ने बावड़ियों का निर्माण किया गया, और राजस्थान की तो विशेषता अपने इसलिए मानी जाती है कि क्योंकि उस समय वैसे भी अपना मरुस्थली क्षेत्र है और यहाँ पानी की कमी है, तो राजा महाराजा द्वारा सेठ साहूकारों द्वारा समय समय पर इन बावड़ियों वगैरह का निर्माण किया गया, विभिन्न सराओं पर सड़कों पर इनका निर्माण किया गया ताकि लोगों को आसानी से पानी की आपूर्ति हो सके, तो इसमें बावड़ी का बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार की ईंटों वगैरह को और पत्थरों से इसका निर्माण किया जाता था, उनके ऊपर कहीं कहीं शिलालेख भी अपन को तत्कालीन समय के मिलते हैं, जिससे जिसमें राजाओं राजवंशों के नाम वगैरह उनके और बनाने का उद्देश्य भी अपन को पता चलता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सांझ बावड़ी अगर ये आबंद दोसा में है, इनका बहुत महत्वपूर्ण महत्व स्थान है अपने बावड़ियों में, जहाँ पर पर्यटन के लिए हजारों लोग आते हैं और विदेशी पर्यटक भी वहां पर पहुंचते हैं, तो ये हो जाएगा। फिर अगला आता है अपने तालाब, दूसरा क्या है, तालाब है ये अपने एक गहरा गड्ढा बना दिया जाता है गांव के बाहर की तरफ, और जिसमें जगह जगह का जो व्यर्थ पानी होता है वो छोटी छोटी नहरों के माध्यम से क्या आता है इस तालाब में आकर इकट्ठा हो जाता है, और लंबे समय तक वो उसमें पानी की आपूर्ति उस पूरे गांव वगैरह को करता है, और लगभग अपने पुराने जितने भी गांव वहाँ आपने सब जगह देखा होगा एक बड़ा सा गहरा गड्ढा होगा जहाँ पर चारों तरफ से पानी आने की वहाँ पर सुविधा होगी, तो ये क्या हो जाएगा तालाब, बड़े बड़े तालाब भी अपने देखने को मिलते हैं, तो ये भी अपने एक परंपरागत जल संरक्षण का स्रोत माना जाता है, तो ये हो जाएगा तालाब।
वर्षा जल को इकट्ठा करते हैं और ये इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें जो छोटी झीलों के समान भी कह सकते हैं, जैसलमेर जैसे गढ़ सीजर और गढ़ सागर जो तालाब है, बहुत बड़े बड़े तालाब है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के बानकिया व सोना पानी तालाब भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आती है अपने झीलें, झीलें हैं जो तालाब का रूप भी कह सकते हैं, लेकिन इनका जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है। 5-6 तालाब मिला के अपन एक झील कह सकते हैं। और राजस्थान के अंदर झीलों का तो बहुत महत्व ज्यादा ही है। जैसे बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पर झीलें, और समय समय पर विभिन्न राजाओं ने इन झीलों का निर्माण करवाया है और उनके झीलों के किनारे क्या किया है, इन शहरों का स्थापित किया है, ताकि वहाँ की जनसंख्या को आसानी से उनकी जो आवश्यकता अनुसार इसका जल का उपलब्धता हो जाए। और सिंचाई में भी इनसे नहरें निकल कर सिंचाई वगैरह का भी प्रबंधन किया जाता है। और इसमें झीलों में बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं, जिसमें अपन बात करें तो झीलें भी दो प्रकार की होती है, एक तो खारे पानी की होती है और एक मीठे पानी की होती है। खारे पानी की तो अपने आप ही निर्मित हो रखी है राजस्थान में, जो पहले अपने यहाँ पर जो एक माना जाता था कि भाई यहाँ पर पहले सागर था और फिर सागर में उथल पुथल और फिर अपने ये बना है मरुस्थल, तो उस समय उसको त्याती सागर कहा जाता है। तो उसके अवशेषों के कारण यहाँ पर बहुत सारी खारे पानी की झीलें हैं, लेकिन मीठे पानी की झीलों की भी यहाँ कमी नहीं है। बहुत सारे राजाओं द्वारा इनका निर्माण किया गया। और जैसे बात करें पिछोजा झील है, जयसमंद झील है, अपने राजसमंद झील है, जो पिछोला झील और जयसमंद अपने यहाँ पर उदयपुर में है, राजसमंद झील राजसमंद में है। इसके अलावा बात करें पुष्कर झील वगैरह, जो धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण झील है मानी जाती है, तो इनका अपने ध्यान रखना है। इसके अलावा कायलाना झील वगैरह जो अपने जोधपुर वगैरह, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कायलाना झील से पूरे जोधपुर को पानी की आपूर्ति की जाती है, तो ये मुख्य झीलें हो जाएगी। अपने आना सागर झील वगैरह जो बात करें अजमेर के वगैरह, तो इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। फिर अगला आता है इसमें, पहली हो गया बावड़ी, फिर तालाब, फिर आती है तीन झील, और चौथे नंबर पर आता है अपने नाड़ी। नाड़ी क्या है? तालाब का छोटा रूप। तालाब का क्या है? छोटा रूप, जो अपने किसी खेत वगैरह के आस में छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है और उसमें खेत का पानी एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा हो जाए, तो उसमें आसानी से दो चार महीने तक पानी पड़ा रहता है और उसमें पशु पक्षी है जो अपना पानी पी के भरण पोषण करते हैं। तो ये अपने आप में नाड़ियाँ, छोटी छोटी नाड़ियाँ जगह जगह बनाकर उनका जल संरक्षण की परंपरा राजस्थान में बहुत सदियों से चली आ रही है। तो ये तालाब का क्या होगा? छोटा रूप हो जाएगा नाड़ी। तो इसमें वर्षा काल में पानी भरता है और 4-5 महीने तक ये होता है और 4-5 मीटर तक गहरी इसमें नाड़ियाँ अपन को प्राप्त होती है, इसमें पशु पक्षी है जो इस पानी का उपयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा। फिर आता है टाका। टाका निर्माण की परंपरा अपने राजस्थान में बहुत पुराने समय से है। पत्थरों के माध्यम से जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर क्या बना दिया जाता है? टाका बना दिया जाता है, उसको ऊपर से ढक दिया जाता है और उसके पानी के आने के स्रोत भी रखे जाते हैं, जिसमें वर्षा जल भी आसानी से क्या हो सके, एकत्रित हो सके और उसके एक जगह अपना इसका मुंह खुला रख के उससे पानी निकाल सकते हैं। तो ये टाके की सुविधा अपने राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा टाका निर्माण। और इसमें तो अभी सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से भी स्कूलों विद्यालयों में वगैरह भी इस टाकों का निर्माण किया जाता है। और इसके अलावा जो ग्रामीण स्तर पर भी विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े टाके बनाए जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक तो अपने पश्चिमी राजस्थान में तो प्रत्येक घर के अंदर इन टाकों का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा। फिर आता है जोहड़। जोहड़ है जो शेखावाटी क्षेत्र, अगला अपने पांचवा हो गया टाका, फिर आता है छठा अपने हो गया जोहड़। जोहड़ है, नाम से पता चलता है, ये शेखावाटी क्षेत्र का है, जिसमें क्या किया जाएगा, मान लो कोई एक बड़ा सा खेत है या कोई बड़ा सा क्षेत्र है, उसमें क्या करेंगे, उसको एक गहरा चौकोर आकार का गड्ढा खोदेंगे, चौकोर आकार का गड्ढा खोदेंगे और उसको एक तरफ से खुला रखेंगे और उसमें पानी के आने की सुविधा रखेंगे और फिर वह पानी से भर जाएगा। तो इस प्रकार के बड़े बड़े अपने आकृति के, जो चौकोर आकृति के, इनका निर्माण किया जाता है, ताकि वर्षा जल का इसमें एकत्रण किया जा सके और वर्ष भर उस पानी का उपयोग किया जाता है। तो बड़े बड़े इस प्रकार के चौकोर आकार के जोड़ बनाए जाते थे और गोल आकार के भी जोड़ के अपने को उदाहरण मिलते हैं, जो काम पर मुख्य रूप से काम पर चलते हैं अपने शेखावाड़ी क्षेत्र में। इनका शिखर झुंझुनू वगैरह, इन क्षेत्रों में शिखर झुंझुनू और सुरु क्षेत्र में इनका बहुत ज्यादा महत्व है। फिर आती है अपने बेरी और छोटी कुई। 7 नंबर पर बेरी या छोटी कुई। अब देखो, मैंने बताया था तालाब यानी एक बड़ी आकृति, फिर इसमें नाड़ी, उसमें से तालाब से छोटी आकृति, और बेरी और कुई क्या हो जाएगी, जैसे मान लो एक तालाब है, उसके अंदर छोटा सा अपने 2-4 मीटर का गड्ढा खोद दिया और गहरा गड्ढा खोद दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, तालाब में पानी समाप्त होने के बाद भी वो लंबे समय तक उपयोग में आया। इसमें जो नाड़ी है उसमें भी ऐसे गड्ढे बनाकर उसका पानी का उपयोग किया जा सकता है, तो ये अपने इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाएगा। तो ये बेरी और कुई हो जाएगा। फिर अपने आता है खड़ीन। खड़ीन क्या है? ये पश्चिमी राजस्थान के,
अगला आपने इसमें टॉपिक दे रखा है खड़ीन, 8 नंबर का क्या है खड़ीन, खड़ीन क्या है पश्चिमी राजस्थान की, इसमें पश्चिमी राजस्थान में ये मान लो टीले हैं अपने रेत के टीले हैं, तो यहाँ क्या होगा वर्षा होती है तो रेत के टीलों से जो पानी है वो बह कर क्या हो जाएगा किसी गड्ढे की तरफ क्या हो जाएगा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये अब मान लो बीच में ये चारों तरफ इसके अपने बने हुए हैं रेत के टीले और बीच में ये गड्ढा है, इसमें क्या हो गया पानी इकट्ठा हो गया और अब ये पानी क्या हो जाएगा सूख जाएगा, मतलब ऊपर से जमीन में चला गया और सूख गया, लेकिन ये यहाँ पर क्या हो जाएगा गीला ये क्षेत्र क्या हो जाएगा नमी वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ से अपने बेरी या कोई खुद के पानी का उपयोग किया जा सकता है या फिर यहाँ पर क्या करेंगे खेती बाड़ी के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। एक समय तक तो ये पानी यहाँ पर बना रहेगा तो मनुष्य वो वहाँ के लोग इसका उपयोग कर सकते हैं और बाद में यहाँ पर बेरी कुई बनाकर भी इसका पानी का उपयोग करेंगे और यहाँ खेती बाड़ी करके भी क्या करेंगे अपने अनाज उत्पादन का कार्य करेंगे। तो ये हो जाएगा अपने खड़ीन। फिर इसके बाद में ये मुख्य रूप से जैसलमेर क्षेत्र में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद में आता है अपने जल स्वावलंबन, अगला जो अपने ये पॉइंट पूरा हो गया अब अगला पॉइंट आता है अपने जल स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब क्या है कि किसी भी क्षेत्र में अपने स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर बनना, जैसा कि अभी भारत सरकार के अंदर माननीय अपने प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योजना चलाई जा रही है स्वावलंबन करें, तो स्वावलंबन का मतलब अपने आत्मनिर्भर बनना। जल के क्षेत्र में अपन को अपनी आवश्यकता के अनुरूप जल का क्या करना है व्यवस्थित रूप से उपयोग करना है और उसके विभिन्न अपन को माध्यम अपनाने हैं। स्वावलंबन यानी जल के क्षेत्र में जल का सुरक्षित उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उसका अपने मानव उपयोग में लिया जा सके, तो इसके लिए सरकार विभिन्न प्रयास भी चला रही है, जल है तो जीवन है वगैरह विभिन्न प्रकार के माध्यमों से लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश कर रही है। तो अपन को जल का महत्व समझना चाहिए और उसको उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इसका प्रबंधन करना चाहिए, सीमित मात्रा में अपने जो परंपरागत तरीकों को अपनाते हुए इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रबंधन करना चाहिए। घरों के अंदर जितने भी नए घर वगैरह निर्माण हो तो उसमें भी सत के जल का उपयोग करने के अपन को टांके वगैरह बनाना चाहिए और उसकी उपयोगिता समझनी चाहिए। फिर आता है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, जिसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा योजना चला के विभिन्न प्रकार के स्टेगन ट्रेंसेज तालाब मिनी परकोटे टैंक एनीगर टांका मिट्टी के बांध वगैरह बनाए जाते हैं, जिसमें अपने मनरेगा योजना के तहत भी बनाए जाते हैं और इसमें सब्सिडियां वगैरह देकर भी लोगों को जागरूक करते हैं जिनके निर्माण से अपने आने वाले समय में इनका अच्छी दिक से दिक उपयोग किया जा सके। तो ये अपने हो जाएगा मुख्य रूप से अपने ये टॉपिक पूरा होता है जल संरक्षण वाला 8वां।